Everyone, now we are discuss about the next chapter, principle of inheritance and variation under the genetics. Okay, ये आपका unit 7th chapter 5th का है. So let's start. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपके बुक का एक PDF व्यू है. ठीक है, इसमें ऑल डिटेल है आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. तो इस सारे बुक को मैं आपको जनरली लिंक में सेंड कर दूंगा. अभी मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूं इसको, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशंस में जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. इट इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. मतलब ये है कि जेनेटिक्स को समझने के लिए हमको हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों का प्रॉपर कलेक्टिव स्टडी करना पड़ता है. ओके, हेरिडिटी मीन्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ. ओके, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. लाइक आपका बार्डनेस हो गया, डायबिटीज हो गया. मतलब ये है कि जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं. ठीक, कई करेक्टर्स होते हैं जनरली, जैसे कि बार्डनेस हो गया, गंजापन हो गया. ये क्या होती है बेसिकली, जैसे पेरेंट्स है तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें जनरली ये शो ऑफ होता है. कई बार हम लोग जब पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये एक हेरिडिटी है. ठीक है, जो जेनेटिक जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है. वैसे ही डायबिटीज होता है, कुछ लोगों में होता है, ये फैमिली डिजीज बन जाती है. जैसे कि मैं किन हेरिडिटी का बता रहा हूँ, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस का है. जैसे इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है वहां पे ये प्रॉब्लम उनकी हेरिडिटी बन चुकी है. वहां पे जितने भी हैं उन सब में जनरली नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता ही है. ओके, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते ही रहता है. नेक्स्ट है वेरिएशन. सो वेरिएशंस में क्या बोलते हैं, वेरिएशंस दैट इज इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंस कॉल्ड वेरिएशंस. ओके, इंडिविजुअल्स मीन्स क्या, इंडिविजुअल्स मीन्स एक ही स्पीसीज के बहुत सारे जीव. जैसे देखो हम लोग जैसे डॉग देखते हैं, तो डॉग में क्या होता है, डॉग जब बोलते हैं तो एक स्पीसीज है. ठीक है, लेकिन उसमें जब हम लोग डॉग बोलेंगे तो बहुत सारे उसके ब्रीड्स आ जाते हैं. ठीक है, जर्मन डॉग्स हो गया, बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं. तो उनमें क्या होती है, बहुत सारी जितने भी डॉग हैं वो सब प्रॉपर एक तो नहीं होते, सबका साइंटिफिक नेम कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. तो ये जो होता है ये उसकी वेरिएशन क्रिएट कराती है. मतलब ये उसमें एक वेरिएशन हो गए हैं. ठीक है, वेरिएशन जनरली सो होता है. वैसे ही बहुत सारी वेराइटीज वेरिएशन से ही एक बना हुआ है. जैसे कि फसलों में होता है, राइस में बासमती है, सरना है, बहुत सारे ऐसे राइस के ब्रीड्स होती है. ठीक है, ये ब्रीड जो होता है ये वेरिएशन है. मतलब स्पीसीज तो सेम है लेकिन उन स्पीसीज में उनके जो इंडिविजुअल्स उनमें कुछ कुछ चेंजेस रहती है. ओके, तो ये जेनेटिक्स के अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन इन दोनों को कंप्लीट कलेक्टिव स्टडी जो होता है वही हमारा जेनेटिक्स होता है. देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जब पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशन, अब ये जितने भी है ना सब समझ में आ गया, जो जेनेटिक्स जो जनरेशन सप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो होते हैं साइंस और बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आता है तो याद रखना चेंजेस होती है, जिसके नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर मेंडल डेटा. इनके बीच में अब इसकी हिस्ट्री में बात करें ज्यादा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फर्स्ट आता है कि ये जब तक जीवित तो इंपॉर्टेंट है याद रखना. जेनेटिक जो काम का जो रिसर्च था उसको साइंटिस्ट ने भी जेनेटिक टर्म को लिया था. उसके बाद जी जे जे सर साइंटिस्ट सेंचुरी में, तो उस सेंचुरी में जी जे मेंडल वो इनके रिसर्च को कभी समझ नहीं पाए. इनके मरने के बाद इन दूसरे साइंटिस्ट ने जब इम्प्रूवमेंट कराया किया, ठीक है, और बहुत सारे रिसर्च के, तब उनको पता चला कि ये जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो तो पहले ही सर मेंडल ने क्या किया था, डिस्कवर करके रिसर्च करके जा चुके हैं. तो उनके जमाने में मेंडल को जरूरी लोग पागल कहते थे, बट जब इनके बारे में बाद में पता चला तब बताया ये तो ग्रेट थे. ओके, तो इनका एक है.
ओके तो उसके बाद है एक और साइंटिस्ट है याद रखना, डब्ल्यू बैटसन, जो हम जेनेटिक्स टर्म दिए थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो सिंपल था, जो जनरली फिनोटाइप पे बेस्ड था, जीजे मेंडल ने दिया, जिसमें हम मेंडलिज्म पढ़ते हैं, उसके बाद आता है बैटसन, फादर ऑफ, इसको बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स में बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें जीनोटाइप, जीन, डीएनए, इन सब का एक कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर होता है जेनेटिक्स में, तो ये डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट ए गैरेट। ए गैरेट जो थे, इनको बोला जाता है द ही नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल एल्केप्टोन्यूरिया कॉल्ड सम प्रॉब्लम हियर, एल्केप्टोन्यूरिया, ओके, एल्केप्टोन्यूरिया बोलते हैं, दिस कॉल्ड ब्लैक, याद रखना, एल्केप्टोन्यूरिया ऑल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिसेस, ओके, ब्लैक यूरिन डिसेस, एंड ही गिवन कॉन्सेप्ट वन म्यूटेंट वन जीन मेटाबॉलिक ब्लॉक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, वन म्यूटेंट वन जीन मेटाबॉलिक ब्लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है मॉर्गन, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज मॉर्गन। मॉर्गन बेसिकली मॉर्गन ही नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। नेम से ही समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मतलब, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे जेनेटिक्स पे, ओके। ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला। मतलब ये जारे जितने भी टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ओके, ये सारा टर्मिनोलॉजी कौन प्रपोज किया था? मॉर्गन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ये सारा कुछ, ओके, ये सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बात करते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन हम लोग पढ़े ही थे, डेट इज वेरिएशन, व्हाट इज द वेरिएशन, वेरिएशन इज डेट इज इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैव सेम डिफरेंसेस कॉल्ड वेरिएशन। मतलब किसी भी स्पीसीज के जितने भी उनके क्लास होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस होती है, उसको बोलते हैं वेरिएशन, ओके। तो वेरिएशन डिवाइड फर्दर टू टाइप्स, वेरिएशन डिवाइड फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन, दे आर नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर, नॉन इनहेरिटेबल नेचर मीन्स ये है, जो सोमेटिक वेरिएशन होती है वो जनरली हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स से बिलोंग कर, हमारी सेल्स सोमेटिक सेल्स को बिलोंग करती है, और जो हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स होती है वो कभी भी जनरेशन टू जनरेशन जंप नहीं करता। जैसे इस जनरेशन में अभी हम, जैसे हमारी बॉडी में कैंसर हो जाता है, ठीक है, अब हम लोग जनरली जो हमारे ऑफस्प्रिंग होती है, तो ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जरूरी नहीं है कि वो कैंसर उसके बॉडी में हो। मतलब ये जो है वेरिएशंस, ये एक जनरेशन तक ही क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, वन जनरेशन ब्लॉक। तो दे आर नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर। बट एक होता है जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक। जर्मिनल सेल्स हमारी बॉडी में टू टाइप्स के सेल होते हैं, सबको पता है, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल जो हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स को बनाती है, बट जर्मिनल सेल जो हमारी बॉडी के ओनली सेक्स सेल्स को बनाती है। तो बेसिकली ये है, बेसिक पॉइंट ये हो जाती है कि जो सेक्स सेल्स होती है वो तो भाई वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता ही है। सो जर्मिनल्स और ब्लास्टोजेनिक होगा, सो बेसिकली अगर लेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनहेरिटेबल इन नेचर हो जाएगा। सो दे आर इनहेरिटेंस इनहेरिटेबल इन नेचर एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दे फर्दर आर टू टाइप्स। अब मीन्स आपका जो वेरिएशन है, जो चेंजेस होती है, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन सा? जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड सेकेंड इज नॉन कंटिन्यूअस वेरिएशन। चलो ठीक है कि एक जो करेक्टर है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, उसके भी दो कैटेगरी हो जाती है, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन का, एक नॉन कंटिन्यूअस। नेम से एक्सप्लेन हो रहा है, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिस रीजन ड्यू टू
क्रॉसिंग ओवर, याद रखना दिस रीजन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जब हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में एक इम्पॉर्टेंट मेटाफेस कंडीशंस में, ठीक है, मेटा एनाफेस के कंडीशंस में एक इम्पॉर्टेंट मेथड यूज होती है क्रॉसिंग ओवर। उस टाइम हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो सेगमेंट्स हैं डीएनए सेगमेंट्स वो एक्सचेंज हो जाती है। तो एज कंडीशन में क्या होती है क्रॉसिंग जो होता है वेरिएशन वो कंटिन्यूअस टाइप का होता है, मतलब ये कंटिन्यू वन जनरेशन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमेशा दिखते रहता है जनरेशन वाइज, ठीक है। कुछ वेरिएशन क्या होते हैं नॉन कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गए। नॉन कंटिन्यूअस वेरिएशन मीन्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएशन जनरली जनरेशन टू जनरेशन जंप नहीं करते। ये जो होता है बेसिकली कुछ जनरेशन में ब्लॉक हो जाती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन गया, नेक्स्ट जनरेशन से जो नेक्स्ट और जाना था उसमें वो ब्लॉक हो जाएगा और सुपर नेक्स्ट जनरेशन में वो क्रॉस करता है या जंप करता है। ओके, तो ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं वो जनरली म्यूटेशन से क्रिएट होते हैं। म्यूटेशन मीन्स क्या, म्यूटेशन मीन्स हमारी बॉडी में होने वाला सडनली चेंज। वेरिएशन एंड म्यूटेशन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वेरिएशंस सॉरी म्यूटेशन जो होता है सडनली चेंज होता है। और इसी का अगर एक कॉन्सेप्ट और ले, अगर हम लोग हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है एक टाइमिंग टू टाइमिंग, तो टाइमिंग टू टाइमिंग जब चेंज होता है तो इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन मतलब बॉडी में इवोल्यूट होना, जैसे मंकी में कंटिन्यू इवोल्यूशन होता है और मंकीज जो होते हैं इवोल्यूट होकर क्या बन गए ह्यूमन बींग्स। लेकिन सडनली चेंज जब होता है तो वो म्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे आप हल्क देखे हो तो हल्क में जो सडनली उसके बॉडी में जो चेंजेस होती है वो एक म्यूटेशन क्रिएट करता है। ओके क्लास, ये आपका शॉर्ट नोट्स और इसका फर्स्ट जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।